हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप राजबारे एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल SPL हेल्थ पर। आज हम गोलगप्पे और पानी बनाना सीखेंगे। चलिए दोस्त हम अब शुरू करते हैं। जैसे दोस्त आप देख रहे हैं, मैं सूजी लिया हूं और मैदा और नमक, और हम सूजी लगभग 200 ग्राम लिया हूं। अब इसे हम बड़े थाली में मिक्स कर, जिसे हम थाली ले लिया और इसमें हम सूजी डाला। जैसे कि दोस्त आप देख रहे हैं, आप जितना बारीक सूजी लेंगे उतना ही आपका गोलगप्पा अच्छा बनेगा। और इसमें हम और इतना नमक डाल देते हैं, जैसे देख रहे हैं 1/4 चम्मच से भी छोटा नमक डालें और इसे हम ऐड कर लें। अब नमक हमारा ऐड हो गया, हम हल्का हल्का पानी डाल के इसमें ज़्यादा गीला नहीं करना है, और आपको हल्का हल्का इसी तरह लेकर के को मिक्स करना है। जैसे देख रहे हैं दोस्त हमारा आटा हो गया, पर ग्रेवेस्टी जैसे मैंने पूरा फेवरेट आटा जिसे नहीं हुआ, तो हम इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच ही मैदा का प्रयोग करें। अब इसे और इसमें ही अब पूरा आपको आटा टाइट ही गोलगप्पे का बनाना है। अब इस आटे को जितना ही अच्छे से मारेंगे सानेंगे, इतना ही आपका गोलगप्पा टॉप बनेगा और स्वादिष्ट होगा। जैसे देख रहे आपको एकदम अच्छे से 10 से 15 मिनट हम अच्छे से इसको सानना है। जैसे दोस्त देख रहे हैं मेरा 10 मिनट में आटा बिल्कुल जैसे पता ही नहीं चला इसमें हम सूजी का आटा है। आपको एकदम सेम इसी तरह आटा को सान के बना लेना है। जैसे देख रहे हैं आपको डोली लिया है, आपके पास ज़्यादा फैमिली है तो आप ज़्यादा बड़ा चीज़ में आप इससे आटा इसे रख के इससे आटा हो गया तो आपको इस तरह से इसे प्लेट से ढक देना, पूरा हवा ना लगे। आप इस आटे को 30 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। जैसे कि दोस्त देख रहे हैं मेरा 30 मिनट में पूरा परफेक्ट आटा हो गया है, तो हम इसे बेल लेते हैं। हम आपको दो तरह का बेलने का गोलगप्पे बनाने का इसमें उपाय बताएंगे। पहला उपाय ये, आप इतना छोटे छोटे से देख सब गोल करके अब चौकी बेलन पे आपको इस तरह से बेलना है। आपको ध्यान है जितना पतला बेलेंगे आपका इतना अच्छा पूरी होगा। जिसे देख रहे हैं मैं छोटा सा लोई लिया हूँ, तो अब इसको आप तेल से भी बेल सकते हैं और मैदे से भी। तो आपको तेल से बेलने में आपको थोड़ी तकलीफ हो, क्योंकि जो पूरी हमारी बढ़ती है वो फिर छोटा हो जाता है। अब मैदा से जो रहता है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। जैसे आप रोटी बनाते हैं सेम उसी तरह से इसे भी बनाना है। हम इसको पूरा अच्छे से बेलेंगे, पूरा पूरा मैदा लगा लगा के आप इसे बेलते रहिए। जितना पतला बेलेंगे उतना ही आपका परफेक्ट पूरी और गोलगप्पा मार्केट से बहुत ही बेहतर बनेगा। आप जब इसमें अच्छे जैसे कि आप देख रहे हैं मैं पूरा पतला बेल लिया हूँ, आप भी एकदम इतना पतला बेल लियो, तभी आपका पूरी मैंने गोलगप्पा अच्छा बना। अगर ज़्यादा मोटा रहेगा तो जैसे नॉर्मल पूरी बनाते हैं आपका सेम वैसे ही रहेगा, और खाने में जैसे कुरकुरे दुकान का लगता है अठेले का, तो ऐसा आपको पूरी नहीं बनेगा। जब आप जितना पतला बेलेंगे उतना ही आपका परफेक्ट पूरी और गोलगप्पा बनेगा। और मैं दूसरा जगह जो बता रहा था, आपका जो आपके पास इतना बड़ा ढक्कन हो या आपका स्टील के पास इतना बड़ा ढक्कन हो, तो आपको क्या करना है इसे रख के पूरा अच्छे से घुमा के इसे काट लेना है आपका पूरी। जैसे तो देख रहे हैं मेरा पूरी एक बार में 10 पीस तैयार हो रहा है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आप जल्दी बनाना, एक एक करके बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। और हम सब इससे पूरी पहले तैयार कर लेते हैं, फिर इसके बाद फ्राई करेंगे इसे। एक पुदीना लिया है और नमक, मैं 4 मिर्ची लिया हूँ और मैं आधी का छोटा सा टुकड़ा लिया हूँ
और ये जलजीरा आपका किराने के स्टोर पे आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। और इससे क्या करना है, आपको सब इसमें मिक्स करके आपके पास अगर मिक्सर है तो बहुत बेटर, आप मिक्सर में इसे पीस के अच्छे से इसका पेस्ट बना दें। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो जो आपके पास हमारे पास मिक्सर है अवेलेबल नहीं है तो हम जो पत्थर का होता है सिलोड़ा जैसे गांव में बोलते हैं पूरा खाटी देहाती में, उसमें हम पीस के आपको बना के दिखाएंगे। जैसे कि दोस्त देख रहे हैं मैं पूरा ऐसे अपने सिलोड़े पर मिक्स कर लिया हूँ और मैं आधा लोटा इसमें पानी लेता हूँ और इसमें हम इसको पूरा डाल देते हैं। और इसमें इतना नमक डाल देते हैं और उसमें मैं जो जलजीरा लिया था इसमें आधा इसका इसमें डालना है। जैसे देख रहे हैं मैं आधा इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से पूरा घोल बना दें, इसको मिला दें जो हमारा नमक है पूरा अच्छे से मिल जाए। आप देख सकते हैं हमारा पानी का कलर कितना बेस्ट है। अगर आपके पास इमली है तो और बेस्ट है, अगर इमली नहीं तो भी आप जलजीरे से बहुत ही टॉप पानी बना सकते हैं गोलगप्पे का। और इसमें हम थोड़ा सा बर्फ डालेंगे जो आपकी हमारा ठंडा रहेगा और अच्छा लगेगा देखने में। जैसे कि दोस्त देख रहे हैं हमारा पानी पूरी एकदम जैसे ठेला पे बेचते हैं एकदम सेम ऐसे बन गया है। आप देख सकते हैं गोलगप्पे भी अच्छे हो गए हैं और इसे जैसे गोलगप्पा जैसे मैं फोड़ते देखो आवाज़ करता है, ये भी आवाज़ कर रहा है। और इसमें पानी डाल के मैं चेक भी कर लेता हूँ कैसा लग रहा है हमारा गोलगप्पा। और दोस्तों आपके पास इमली नहीं है तो आप देख रहे हैं आधा टुकड़ा मैंने नींबू लिया और इसका इसमें रस निचोड़ दें, आपका पानी बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। इसे निचोड़ के आप इसे अच्छे से घोल बना दें और आपका पानी बिल्कुल देख रहे हैं कलर भी अच्छा लग रहा है और आप तो खाने में बहुत ही एकदम सेम मार्केट जैसे जैसे ठेला बेचते हैं सेम वैसे लगेगा। अब देख रहे हैं पूरी भी हमारा आवाज़ कर रहा है पूरा। आपका धन्यवाद। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को यानी घंटे को दबा लें क्योंकि मेरा प्रत्येक वीडियो आपको मिले सबसे पहले। इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।